ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पावर इन एन एसी सर्किट. ओके एसी सर्किट में पावर जो होता है वो कितना होता है वो आज हम लोग उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे. नाउ इफ वी से व्हाट इज पावर, सो पावर इन एन सर्किट इज व्हाट द रेट एट व्हिच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट. यस ऑर नो, द पावर एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द रेट एट व्हिच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन दैट इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके नाउ लेट अस कंसीडर ओके दैट इन ए सर्किट वी आर कंसिडरिंग सच ए सर्किट जहां पे जो करंट है द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय ए फेज एंगल से phi. ओके सो वी आर कंसिडरिंग सच ए सर्किट वेयर द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय ए फेज एंगल phi. सो नाउ फॉर एन एसी सर्किट वी नो दैट एप्सिलॉन इक्वल टू दैट मीन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी एंड ओके करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन. नाउ हम लोगों ने क्या बोला, वी आर टेकिंग जो वोल्टेज जो है वो फाइव एंगल से आगे चल रहा है, वोल्टेज फाइव एंगल से लीड कर रहा है मतलब करंट जो है वो फाइव एंगल से पीछे चल रहा है, एक ही बात है. सो कैन वी राइट ओमेगा टी माइनस फाइव, यस नो. सो वी आर कंसीडरिंग एन एसी सर्किट वेयर द वोल्टेज इज गिवन बाय एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी एंड द करंट इज गिवन बाय आई इक्वल टू साइन सॉरी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. इट ओनली मीन्स दैट द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय ए फेज एंगल फाइव. ओके सो अप टू दिस मच क्लियर. नाउ पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस पावर. नाउ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई, यहां पे पी इक्वल टू एप्सिलॉन आई हो जाएगा. एप्सिलॉन का वैल्यू कितना मिला हम लोगों को, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई का वैल्यू कितना मिला, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं पावर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. ओके नाउ इसको ना कंसीडर करो एज साइन ए और इसको कंसीडर करो एज साइन बी. सो साइन यहां पे फॉर्मूला ठीक है, या तो हम लोग ओमेगा टी को यहां पे ए ले रहे एंड ओमेगा टी माइनस फाइव को हम लोग बी ले रहे हैं. ओके अभी मैं क्या करता हूं ना, यहां पे मैं एक टू मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट मीन्स ये हो गया टू साइन. अगर यहां पे टू मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली यहां पे मुझको टू डिवाइड करना पड़ेगा. अभी देखो ये क्या हो रहा है, टू साइन ए इंटू साइन बी. सो टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, ए हो गया ओमेगा टी माइनस ये माइनस आएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. सो फॉर्मूला क्या है, टू साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. तो ए क्या है ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव. ओके सो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला. तो अब यहां पे देखो ओमेगा टी कैंसिल, सो पी इक्वल टू क्या मिलेगा एप्सिलॉन नॉट आई नॉट बाय टू, यहां पे बचा कॉस फाइव माइनस यहां पे बचा कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव, है कि नहीं. चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट से. डन. सो देयरफोर अभी अगर हम लोग निकालेंगे एवरेज पावर, ओके एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल दैट मीन्स इन वन कंप्लीट साइकिल. तो एवरेज पावर क्या होगा, पावर का फॉर्मूला ये मिला दैट मीन्स एवरेज ऑफ दिस वन, दैट मीन्स एवरेज ऑफ दिस वन, यस नो, दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट आई नॉट बाई टू
cos phi minus cos 2 omega t minus phi. इसका एवरेज है कि नहीं. नाउ यहां पे जो ये टर्म मिला ना हम लोगों को cos 2 omega t minus phi, देखो ये टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है. इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम. यस नो, दैट मीन दिस टर्म इज टाइम डिपेंडेंट. नाउ एसी में हम लोगों ने पहले भी निकाला था ना, किसी चीज का एवरेज ओवर ए कंप्लीट साइकिल कितना हो जाता है? जीरो. ओके, द एवरेज ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो. यहां पे हम लोग निकाल रहे हैं पर साइकिल, दैट मीन वन कंप्लीट साइकिल, तो वही चीज जीरो होगा ना जो कि टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वन कंप्लीट साइकिल मतलब हम लोग टी लेते हैं टाइम पीरियड. हाफ साइकिल हो गया तो टी बाई टू. तो यहां पे वन कंप्लीट साइकिल, दैट मीन्स ये टाइम अगर हम लोग ले तो जो चीज टाइम के ऊपर डिपेंड हो रहा है वो कितना होगा? एवरेज जीरो. सो इसको कैसे लिखोगे? हियर द सेकेंड टर्म विद इन द ब्रैकेट, द सेकेंड टर्म इज टाइम डिपेंडेंट एंड देयरफॉर इट्स एवरेज विल बी जीरो. तो ये हो गया जीरो, तो एवरेज बचा क्या? एप्सिलॉन नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अच्छे से देखो तो एप्सिलॉन नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव. ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूं रूट टू क्या मिलेगा? टू. सो पावर एवरेज. नाउ टेल मी व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट बाई रूट टू? एप्सिलॉन आरएमएस. ये हम लोगों ने पहले डिराइव किया हुआ है. आई नॉट बाई रूट टू ये हो गया आई आरएमएस कॉस फाइव. तो ये हो गया हम लोग का पावर का इक्वेशन. इसी चीज को और हम लोग लिख सकते हैं पावर एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस. ओके, नाउ कॉस फाइव का और एक वैल्यू होता है, कॉस फाइव इज इक्वल टू आर बाय जेड. ओके, कॉस फाइव इज इक्वल टू आर बाय जेड. यह आर क्या होता है? आर होता है रेजिस्टेंस और जेड को हम लोग बोलते हैं इम्पेडेंस. जेड को हम लोग बोलते हैं इम्पेडेंस. तो ये या फिर ये दोनों हम लोग को मिल गया एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन एसी सर्किट का फॉर्मूला, पावर एसोसिएटेड विद एन एसी सर्किट. ओके, कॉपी कर लो. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक लेट अस सी एनर्जी स्टोर्ड इन ए प्योर इंडक्टर. प्योर इंडक्टर. ओके, नाउ पकड़ लो एक इंडक्टर जो है वो एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स के साथ कनेक्टेड है इन ए सर्किट. ओके, नाउ जैसे ही ये इंडक्टर में से करंट पास होना शुरू होगा, हम लोग को मालूम है जैसे ही इंडक्टर में से करंट पास होना शुरू होगा उसमें क्या होगा, इंडक्टर में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. और ये जो ईएमएफ होता है ये क्या होता है? ऑपोजिंग नेचर है कि नहीं. ये जो ईएमएफ होता है ये होता है ऑफ ऑपोजिंग नेचर. दैट मींस अगर हम लोग इंडक्टर में से करंट को पास कर रहे, दैट मीन धीरे 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 करंट बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, तो जैसे करंट में इंडक्टर में से करंट पास होगा इंडक्टर में एक बैक ईएमएफ मतलब एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि ये करंट को ग्रो होने से रोकेगा. इट विल ऑपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट थ्रू द इंडक्टर और विद इन द इंडक्टर. यस नो, इट विल ऑपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट with respect to the inductor because it is of opposing nature. This induced EMF is of opposing nature. Now, अगर हम लोगों को इंडक्टर में करंट को ग्रोथ करना है, इफ यू हैव टू ग्रो द करंट विथ रेस्पेक्ट टू द इंडक्टर, देन द एक्सटर्नल सोर्स हैज टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस ईएमएफ. यस नो, द एक्सटर्नल सोर्स हैज टू डू सम वर्क अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ. And this work done gets stored in the form of magnetic field energy. Okay, this work done gets stored in the form of magnetic field energy. So the energy stored in an inductor is in the form of magnetic field energy. Okay, so we know that मैं directly लिख रहा हूं, ठीक है? तुम लोग आराम से इसका जब notes बनाओ के properly notes बनाना, book का reference लेना लिखने के लिए, ठीक है? Concept समझ लो, book में से देख के अच्छे से statement diagram बनाना, ठीक है? इसमें कोई डायग्राम नहीं है लेकिन हर किसी ने वही करना, बुक का एक बार रेफरेंस लेना. नाउ वी नो दैट इंड्यूस ईएमएफ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस ईएमएफ? एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई
dt, where L is known as what? Coefficient of self-induction. और minus ये समझा रहा है that it is of opposing nature. Yes or no? So minus L di by dt. Now, also we know that, okay? इसको equation number one mark करके रख दो. Also we know that जो power होता है, power का formula क्या होता है? Work done by time. So we can say that work done is equal to power by time. Yes or no? Also we also know that work done equal to power by time. मैं ये रफ करूं. So small amount of work done in a small time dt. हम लोग हमेशा ऐसे ही निकालते हैं. पहले हम लोग small amount of work done निकालेंगे, फिर integration कर देंगे. Yes or no? Okay. Now this work done is what? Against induced EMF. Against induced EMF. Small amount of work done in a small time dt against induced EMF. So work done dw equals to work done का formula क्या था? Power into time dt. Now power का एक formula होता है epsilon i dt. Yes or no? P equal to vi. तो यहां पे vi की जगह हम लोगों ने ei लिखा, ठीक है, epsilon i लिखा. Now epsilon का formula हम लोग को क्या मिला था? dw equals to minus l di by dt into, यहां पे ऑलरेडी i है, i dt. Yes or no? ये होगा. Now यहां पे जो ये work done है ये against the induced EMF है कि नहीं? यहां पे जो work done है ये against the induced EMF है. तो यहां पे हम लोग ये जो EMF है, देखो ये EMF क्या है, of opposing nature भी है ना, तो यहां पे हम लोग ये minus sign का symbol हम लोग देंगे, ठीक है. जो वर्क डन है दैट इज अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ. सो ये अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ के लिए यहां पे हम लोग एक माइनस साइन देंगे इंड्यूस ईएमएफ के साथ, ठीक है. तो यहां पे ये माइनस माइनस एल आई डी एल डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये डी टी डी टी कैंसिल. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को? एल आई डी आई. इसको इक्वेशन नंबर टू दे दो. ओके, मैं रफ करूं इसको. So therefore, total work done to grow current, okay, current grow करने के लिए from zero to maximum value क्या होता है? I naught against induced EMF हम लोग कैसे देंगे? इसको इंटीग्रेशन करके. तो यहां पे क्या मिला था? इंटीग्रेशन एल आई बी आई जीरो टू आई नॉट. ओके, ये मिल जाएगा टोटल वर्क डन. यहां पे एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन जीरो टू आई नॉट आई बी आई. नाउ इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू. तो इंटीग्रेशन आई डी आई क्या होगा? एल आई स्क्वायर बाई टू. और यहां पे लिमिट क्या होगा? जीरो टू आई नॉट. ओके, तो I पहले I नॉट लेगा, तो ये वर्क डन हो जाएगा यहां पे L I नॉट स्क्वायर बाय टू माइनस ये आ जाएगा जीरो, क्योंकि यहां पे फिर जीरो आएगा, है कि नहीं? तो L मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट कर दिया, L I नॉट स्क्वायर बाय टू माइनस क्या आएगा? जीरो. या फिर इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे तो L और ये ब्रैकेट में आएगा I नॉट स्क्वायर बाय टू जीरो, है कि नहीं? तो ये वर्क डन इक्वल टू हो गया हाफ एल आई नॉट स्क्वायर. नाउ दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू द इंडक्टर एंड इट इज गिवन बाय यू इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड. ओके,
ओके नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हम लोगों ने देखा एनर्जी स्टोर्ड इन ए प्योर इंडक्टर, लेट अस सी एनर्जी स्टोर्ड इन ए प्योर कैपेसिटर। ओके नाउ लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर व्हिच हैज ए कैपेसिटेंस सी। ओके लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस सी। नाउ हम लोग को मालूम है कैपेसिटर में दो प्लेट्स होता है कि नहीं। नाउ इफ वी डिस्प्लेस, अगर हम लोग कैपेसिटर के एक प्लेट से सपोज चार्ज क्यू को डिस्प्लेस करके दूसरे प्लेट में ले जाते हैं, ओके तो जब तुम ऐसा करोगे जो एक प्लेट में से चार्ज लेके दूसरे प्लेट में डिस्प्लेस करोगे, देन बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट सेट्स अप बिटवीन द प्लेट्स। ओके व्हेन अ चार्ज क्यू इज डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर एंड मूव्ड ऑन टू द अदर प्लेट, देन ए पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स अप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे देते हैं, V इक्वल टू क्यू बाय सी, क्योंकि हम लोग को मालूम है क्यू इक्वल टू सी भी होता है, तो V इक्वल टू क्यू बाय सी। ओके नाउ इफ एन एक्स्ट्रा स्मॉल चार्ज DQ इज displaced from one plate to other, okay? Now, अभी अगर एक extra छोटा charge DQ capacitor के एक plate में से दूसरे plate में shift करोगे तो ये करने के लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक work done करना पड़ेगा। So therefore, so work done हो जाएगा V DQ है कि नहीं, ये एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा की जगह अच्छा होगा इफ यू राइट एडिशनल। ओके एडिशनल, इफ एन एडिशनल स्मॉल चार्ज DQ इज डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, देन वर्क डन DW इक्वल टू V DQ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके सो देयरफॉर टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज क्यू, ठीक है, अभी अगर हम लोग पूरा एक चार्ज क्यू को डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, ओके इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे हम लोग को मिला था वी डी क्यू, सो जीरो टू क्यू, ठीक है। नाउ वी क्या था, ये तो मिल गया डब्ल्यू, वी क्या था क्यू बाई सी, तो यहां पे आ गया क्यू बाई सी इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू डी क्यू। नाउ वन बाई सी कॉन्स्टेंट है, वन बाई सी बाहर ले आओ, वन बाई सी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय टू जीरो टू क्यू, तो Q पहले Q लेगा फिर जीरो लेगा, सो वर्क डन कितना मिलेगा, वन बाई सी क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, सो वर्क डन इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ क्यू स्क्वायर इंटू सी। नाउ वी नो दैट क्यू इक्वल टू क्या होता है, सीवी, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सीवी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी ये सी डिवाइडेड था ना, डिवाइडेड बाय सी, हाँ डिवाइडेड था, सो क्यू के जगह मैं लिख सकते हो सी वी, मतलब ये हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, एक सी कैंसिल, सो वर्क डन इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, इंडक्टर में मिला था हम लोग को हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, यहां पे मिला हाफ सी वी स्क्वायर। नाउ दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड, ओके दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी, दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी व्हिच इज गिवन बाय यू इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। सो कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ CV स्क्वायर। ओके सो आई होप अप टू दिस मच क्लियर, थैंक यू।